यूनिट 3 का विजुअल बेसिक का जो टॉपिक है वो है डिबगिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। डिबगिंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रन टाइम एरर को ढूंढ कर दूर करने का जो प्रोसीजर है उसे डिबगिंग बोलते हैं। विजुअल बेसिक के आईडीई में डिबग टूल बार दी गई है, जिसके द्वारा हम रन टाइम एरर को आसानी से ढूंढ के दूर कर सकते हैं। इस डिबग टूल बार में कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वॉच विंडो, लोकल्स विंडो, इमीडिएट विंडो और कॉल स्टैक। लास्ट क्लास में हमने वॉच विंडो और लोकल्स विंडो को देखा था, आज हम इमीडिएट विंडो और कॉल स्टैक को देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और इससे हम कैसे एरर को ट्रैप कर सकते हैं। एरर ट्रैपिंग टूल भी कहा जाता है इनको, इसके द्वारा हम एरर को ट्रैप या ट्रेस भी करते हैं। तो डिबगिंग एक प्रकार का एरर को ढूंढने का ही मैकेनिज्म है और डिबगिंग टूल बार में वो सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो विजुअल बेसिक ओपन करते हैं और देखते हैं कि इमीडिएट विंडो और कॉल स्टैक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो कैसे वर्क करता है। तो पहले विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं। इसमें इमीडिएट विंडो काफ़ी इजी होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब विजुअल बेसिक में कोई कोड किया जाता है, और कोड मैं यहाँ पर पहले फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एक बटन बनाया, इस बटन पे मैं अगर कोई कोड करता हूँ, इस बटन पे अगर मैं कोड कर रहा हूँ जो सम ऑफ टू नंबर है, मैं लिखा डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर, ए इक्वल टू मैंने दिया 2.5, बी इक्वल टू दिया मैंने 2.6, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो वैल्यू दी है ए और बी में, ये एक जो है डेसिमल वैल्यू, सॉरी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, यानी कि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, जबकि मैंने डेटा टाइप लेने में गलती कर दी है। डेटा टाइप मैंने इंटीजर ले लिया है और यहाँ पर लेना था हमें डबल, मैंने डेटा टाइप लेने में गलती कर दी है। तो इसका जो एडिशन है 2.5 और 2.6 का, ये होना चाहिए 5.1, जबकि इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा 5। इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है 5, जबकि आउटपुट आना चाहिए था इसका 5.1। अगर मैं इसको 2.4 ले लेता हूँ तब क्या चेंजेस आता है देखते हैं। 4, तो जो कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर एक लॉजिकल एरर है, या फिर आपके पास कोई रन टाइम एरर होता है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब इस एरर की चेकिंग में इमीडिएट विंडो का क्या रोल है ये हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने इमीडिएट विंडो डिस्प्ले हो रही है। इमीडिएट विंडो में कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रही होती है। इमीडिएट विंडो का मतलब होता है कि इमीडिएटली अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप ब्रेक करिए और इमीडिएट यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन करके नए वेरिएबल और पुराने वेरिएबल के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पर इमीडिएट विंडो को वर्क करके देखते हैं कि हमें क्या डाउट है और किस तरीके से वैल्यू को चेंजेस किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पोजीशन पे डाउट हो रही है तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया है और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक गया है। अभी फ़िलहाल ए की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट ए। इमीडिएटली मैं ए की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू फ़िलहाल अभी 0 है। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि प्रिंट ए माइनस बी, ए और बी की वैल्यू को माइनस करके देखना चाहता हूँ क्या आता है, तो उसकी वैल्यू भी अभी फ़िलहाल 0 आ रही है। इस तरीके से आप रन टाइम पर ही इमीडिएटली कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला के जगह प्लस के जगह अगर माइनस होता या डिवाइड होता तो क्या आउटपुट आता। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे से। इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, डिबग टूल बार ओपन कर देंगे। ये डिबग टूल बार है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ए में जो वैल्यू है वो 2.5 आनी चाहिए। ये जो ब्राउन कलर की लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई है और एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्रामर की दृष्टि से ए में जो वैल्यू है वो 2.5 होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ ए में क्या वैल्यू आई है, तो मैं ए की वैल्यू को यहाँ पर सीधा प्रिंट करा सकता हूँ। तो
तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ए में जो वैल्यू दी गई थी वो थी 2.5, जबकि उसमें जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। अब मुझे यहाँ पर डाउट हो गया कि वैल्यू चेंज क्यों हो गई, उसमें 2.5 होना था। तो मैं इसके रीजंस को ढूंढ सकता हूँ, क्या डेटा टाइप गलत था, कि राउंड फंक्शन लगाया गया था, इस टाइप का कोई भी डाउट हो के मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने डेटा टाइप गलत लिया है, इसलिए 0.5 वाली जो वैल्यू है उसको उसने छोड़ दिया। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, प्रिंट बी, तो बी की वैल्यू अभी 0 है क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जो येलो कलर की लाइन है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ से। अब देखेंगे स्टेप इनटू दिया हुआ है, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब ये बी वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं अगर बी की वैल्यू देखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट बी, इमिडिएटली मैं बी की वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बी की वैल्यू दे रहा है 2। आप ध्यान से देखेंगे, मैं इमीडिएट विंडो का असली मकसद अभी बताने वाला हूँ। ए में भी वैल्यू गई है 2 और बी में भी वैल्यू गई है 2, यानी कि ए में वैल्यू है 2, बी में वैल्यू है 2, यानी कि अभी सी का जो आउटपुट है वो आने वाला है 4। मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू तुरंत चेंज कर दूँ। बी की वैल्यू मैंने जो 2 दी थी, मैं 2 नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं बी की वैल्यू ऑन द स्पॉट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा बी इक्वल टू 9। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो बी की वैल्यू 9 हो गई है। मैंने दिया था यहाँ पर 2.4, इमिडिएटली ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे लगा कि 2.4 नहीं देना है, मुझे 9 देना है। तो मैंने बी की वैल्यू 9 कर दी। और अभी जब मैं प्रिंट ए करूँगा तो ए की वैल्यू है 2, प्रिंट बी करूंगा तो उसकी वैल्यू 9 हो चुकी है, यानी कि अब जो आउटपुट आएगा वो होगा 11। प्रिंट सी हुआ, एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, आउटपुट आया 11। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वैल्यू दी गई थी 2.5। इसको मैं इस तरीके से कुछ समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई थी वो थी 2.5। मैं इसको इस तरीके से बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए की जो वैल्यू है वो है 2.5। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पर आपने देखा, ये वैल्यू आई 2, क्योंकि ये जो इंटीजर वैल्यू ली गई थी 2, इसलिए आया क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब आप देखेंगे कि बी की जो वैल्यू थी अभी 0 थी, अब बी की वैल्यू क्या हो गई है 2, क्योंकि बी का जो वैल्यू दिया गया है वो 2.4 है और ये भी एक इंटीजर है। लेकिन बी की वैल्यू मैं ऑन द स्पॉट मैंने 9 कर दी है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है 2 प्लस 9, जो कि 11 है। क्लियर है? तो यहां पर देने के बावजूद भी 2 और 2.4, और बीच में ही मैंने रोक दिया एग्जीक्यूशन को, इस लाइन पे मैंने रोक दिया था, यहां पर ब्रेक लगाया मैंने, और इमिडिएटली इमिडिएट विंडो की सहायता से उसकी वैल्यू को मैंने रन टाइम पर ही चेंज कर दिया। यानी इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो हवा में ही उसमें पेट्रोल भर दिया मैंने, उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रोग्राम को दोबारा बंद करके नई वैल्यू दे करके दोबारा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रोग्राम को ही बीच में रोका गया और बीच में ही नई वैल्यू दे दी गई और फिर आगे एग्जीक्यूट करा दिया गया। तो इस तरीके से मैं इमिडिएटली कोई भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ इमिडिएट वैल्यू से। ये तब करते हैं जब हमको लगता है कि पुरानी वैल्यू जो है वो सुटेबल नहीं है, नई वैल्यू के साथ मुझे काम करना है और दोबारा शुरू से एग्जीक्यूशन नहीं कराना चाहते हैं। तो ये था इमिडिएट विंडो का प्रोसीजर। आप इसको एक बार वो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इमिडिएट विंडो एकदम सिंपल है और आप इसको किसी भी तरीके से इमिडिएटली कोई भी कमांड रन करके देख सकते हैं।
एक एग्जांपल और है, इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इमीडिएट विंडो में यहाँ पर मैंने रन किया, फिर एक एक स्टेप रन कर रहा हूँ। अब इसका जो आउटपुट है ए प्लस बी होगा। मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे देखना है कि ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी की वैल्यू 0 होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि ए इंटू बी क्या होगा, 4 होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ए डिवाइड बाई बी क्या होगा, तो ये 1 होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं है, तो मैं तुरंत चेक कर सकता हूँ कि उसके जगह पर ये सारे फॉर्मूले रखने पर क्या आएगा। और अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये फॉर्मूला रखने पर मेरा आउटपुट आ जाएगा ये वाला, तो मुझे पता चल गया कि यहीं पर गलती हो रही थी, मुझे ये चाहिए था, इससे ज़्यादा सूटेबल फॉर्मूला ये है। तो इस तरीके से मैं रन टाइम पर फॉर्मूला को चेंज कर सकता हूँ पुरानी वैल्यू के साथ। ये था इमीडिएट विंडो का रोल। अब हम देखते हैं कॉल स्टैक, जो कि हमारा अगला पॉइंट था। ये भी एक डिबगिंग टूल है। कॉल स्टैक क्या काम करता है और ये चेनिंग कैसे क्रिएट करता है, कॉल की चेनिंग कैसे क्रिएट करता है। यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था, चेन, कॉलिंग चेन के बारे में हमने देखा था। ये देखो, कॉलिंग चेन, इस कॉलिंग चेन को ही हमें ट्रेस करना होता है कॉल स्टैक से। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉलिंग चेन, और हमें ट्रेस करना है कि कौन कैसे किसको कॉल कर रहा है। इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कॉलिंग चेन को अगर मुझे समझना हो तो मैं इस तरीके से कुछ समझ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कोई एक मैसेज को व्हाट्सएप में टाइप किया और वो किसी को भेज दिया, जो कि एक वायरल मैसेज था या कोई फर्जी मैसेज था। फिर वो पर्सन दूसरे को भेजेगा, फिर वो तीसरे को भेजेगा। इस तरीके से जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाएगा। लेकिन इसको फैलने के पीछे एक चेन क्रिएट होगी। सबसे पहला एक सोर्स होगा जो मैसेज क्रिएट करेगा और जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कुछ लोगों को। जो अगले जो रिसीवर है वो क्या बन जाएंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पर वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से चेन क्रिएट होगी। तो अगर मैं मैसेज की चेन बोलूं, तो कुछ इस तरीके से मैसेज की चेन क्रिएट हो सकती है। इसने इसने इसको भेजा और इसको भेजा, फिर इसने इसको भेज दिया, फिर इसने और आगे फॉरवर्ड कर दिया, अगले को फॉरवर्ड कर दिया इसने, फिर इसने इसको भेज दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक चेन क्रिएट हो रही है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये आपका चेन है। अगर ये चेन फंक्शन कॉलिंग में होती है, तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस क्यों करने की ज़रूरत है, कभी कभी क्या होता है, ये इस सिचुएशन को समझना ज़रूरी है बड़े पैमाने पर, तभी इसका महत्व समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग के कारण ही एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिकर्शन। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसने इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा और इसने इसको भेज दिया दोबारा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, साइक्लिक कॉलिंग बोलते हैं। इसमें कॉलिंग की साइकिल बन रही है। ये नंबर 1 है, ये 2 है, 1 ने 2 को भेजा, 2 ने 3 को भेजा, 3 ने 4 को भेजा और 4 ने फिर 1 को भेज दिया। तो एक साइकिल क्रिएट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो साइकिल है, ये एक रिकर्शन भी कहलाता है। और ये साइकिल के कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स ना हो, या कभी कभी फंक्शन कॉलिंग के कारण प्रॉब्लम आती है, तो उस समय उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा वो हम देखना है। उसको हमें ट्रेस करना है, तो हमें कॉल स्टैक का यूज़ करना होगा। क्लियर है? तो कॉल स्टैक का यूज़ होता है तब जब फंक्शन कॉलिंग की चेन काफ़ी बड़ी हो जाती है और फंक्शन कॉलिंग के कारण कोड में एरर आने लगता है। कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मैसेज को इधर से उधर जाते जाते कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
उसके कारण हमें समझ में नहीं आता कि कोड सही लिखने के बावजूद भी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो दूसरे फंक्शन से लिंक होने के बाद वो एरर जनरेट कर रहा होता है। वो इसलिए एरर जनरेट करता है कि अगर एक फंक्शन में कोई वेरिएबल ए है और हमने भी ए बनाया तो दो ए हो जाते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको देखते हैं कैसे ट्रेस करते हैं। तो उसको ट्रेस करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर कम से कम दो तीन फंक्शन बनाने पड़ेंगे और उसे कॉल करना होगा। तो पहले हम फंक्शन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी ट्रेसिंग कैसे करते हैं। हम यहाँ पर ऐड प्रोसीजर में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे। पहले मैंने बनाया सम, फिर मैं ऐड प्रोसीजर में गया, मैंने बनाया सबट्रैक्ट, फिर मैं मल्टीप्लाई के लिए बना दिया, और फिर डिवाइड फंक्शन बना दिया मैंने। मैं यहाँ पर चार फंक्शन बनाया है मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार फंक्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला फंक्शन है सम। सम फंक्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा लिख दिया मैसेज बॉक्स सम, ताकि छोटा कोड कर रहा हूँ ताकि आपको इसको आसानी से समझते बनेगा। सब्ट्रैक्ट फंक्शन में मैंने लिखा सब, मल्टीप्लाई फंक्शन में मैंने लिखा मल्टीप्लाई, और डिवाइड फंक्शन में मैंने लिख दिया डिवाइड। अब आप देखेंगे कि कमांड वन जो है वो ब्लैंक है। तो इस तरीके से मैं अगर रन करता हूँ अपने कोड को, ये मेरा कोड है जो रन हो रहा है, मैंने रन कर दिया कोड को। फिर से मैं दिखा देता हूँ कोड को, मैं रन कर रहा हूँ, अभी कमांड वन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि कमांड वन पे कोई कोड नहीं लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पर कमांड वन का कोई कोड है उसको लिख देता हूँ, कमांड वन पे मैंने लिख दिया कॉल सम। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो सम फंक्शन को कॉल करेगा। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सम फंक्शन में मैंने लिखा कॉल सबट्रैक्ट, इसमें मैंने लिखा कॉल मल्टीप्लाई, इसमें लिखा कॉल डिवाइड। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये कॉल करेगा सम को। इसको मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है, अब देखिएगा यहाँ पर धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो वो कॉल सम पे आया। अब एक लाइन में एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सीधा जंप कर देगा सम फंक्शन पे, यहाँ पर जो सम फंक्शन है वहाँ आ जाएगा। इसने अपना काम खत्म नहीं किया, वो सीधा कहाँ पर आ गया, या मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स एंड, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया है इसको। तो अभी कॉल मैसेज वाला जो स्टेटमेंट है वो रन हो रहा है। इसके बाद कायदे से ये मैसेज बॉक्स एंड वाला जो है वो रन होना चाहिए था और मैसेज आना चाहिए था क्योंकि अगली लाइन यही है, लेकिन वो अगली लाइन पे रन नहीं करेगा। वो फंक्शन कॉल कर रहा है, सम नाम का फंक्शन ढूंढेगा, अपना एग्जीक्यूशन यहीं पे रोक देगा, वो अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे रोक देगा और आगे फंक्शन पे जंप कर देगा। तो इस तरीके से अभी ये मैसेज बॉक्स एंड पे नहीं आया, यहीं से सीधा जंप कर दिया सम के ऊपर। अब सम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, सम फंक्शन में आएगा मैसेज बॉक्स सम, ये मैसेज बॉक्स आया। अब अगला जो है वो फंक्शन कॉल कर रहा है सबट्रैक्ट को, यानी यहाँ से ये जंप कर देगा सबट्रैक्ट में। ये देखिए सबट्रैक्ट में जंप कर दिया, फिर मैसेज आया सब, फिर मैसेज आया, फिर मल्टीप्लाई में जंप कर दिया, मैसेज आया मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड में जंप कर दिया, फिर आया मैसेज बॉक्स डिवाइड। अभी डिवाइड फंक्शन के अंदर है। तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा, अगर ये कोड बहुत बड़ा है, मान लीजिए ये कोड 50,000 लाइन का था,
तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने तो कमांड वन पे क्लिक किया लेकिन ये वाला प्रोसीजर क्यों रन हो रहा है, ये वाला फंक्शन क्यों रन हो रहा है। तो मैं इसको ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कैसे रन हुआ, किसके थ्रू रन हुआ, कैसे इसके पास पहुँची, चेन पहुँची है, इसका सोर्स कौन है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिबग टूल बार में देखिए, ये कॉल स्टैक अभी एक्टिव हो गया है, हमेशा एक्टिव नहीं रहता है ये कोड, कोड जब रन हो रहा होता है तब एक्टिव रहता है, अब एनी टाइम देखेंगे ये एक्टिव नहीं रहेगा, जब तक फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी तब तक ये एक्टिव नहीं होता है। अब मैं कॉल स्टैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कॉलिंग की जो स्टैक है वो दिखाएगा, स्टैक मतलब होता है रिवर्स प्रोसीजर। तो इससे पता चल रहा है कि सबसे नीचे में जो है वो सबसे पहले कॉल हुआ था, सबसे पहले मैंने कॉल किया था कमांड वन अंडर स्कोर क्लिक पे, कमांड वन ने कॉल किया सम को, सम ने कॉल किया सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट ने कॉल किया मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई ने कॉल किया डिवाइड को, ऐसे ही हुआ था। आप एक बार फिर देखिए, कमांड वन को कॉल किया गया, कमांड वन ने सम को किया, सम ने सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट ने मल्टीप्लाई और इसने फिर डिवाइड को कॉल कर दिया। अभी फिलहाल डिवाइड वाला जो है वो रन हो रहा है। अब मैं एक लाइन और आगे बढ़ाऊँ इसको, तो इस तरीके से मैं एक लाइन और आगे बढ़ाता हूँ तो ये डिवाइड वाला फंक्शन ख़त्म होने वाला है, डिवाइड वाला फंक्शन ख़त्म होने वाला है। अब जैसे ही मैं एक लाइन आगे बढ़ाता हूँ, देखिए रिवर्स प्रोसीजर होगा, डिवाइड को कॉल किया था मल्टीप्लाई ने, इसलिए ये रिवर्स मल्टीप्लाई के पास वापस जाएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई के पास वापस चला गया है। अब अगर कॉल स्टैक देखा जाए तो यहाँ से देखिए डिवाइड फंक्शन अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी फिलहाल मल्टीप्लाई वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से मैं फिर से आगे बढ़ाता हूँ, मल्टीप्लाई वाला ख़त्म हुआ तो सब्ट्रैक्ट के पास गया, सब्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो सम के पास गया, अभी फिलहाल सम वाला जो है वो रन हो रहा है, ये देखिए खाली सम वाला रन हो रहा है। और अगर मैं सम वाले को भी कंप्लीट कर देता हूँ तो अभी फिलहाल रन हो रहा है कमांड वन। तो इस तरीके से कॉलिंग की जो चेन थी उसको आप रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हैं, स्टैक में, स्टैक जो है वो रिवर्स ऑर्डर के लिए होता है। तो कॉलिंग की जो चेन है उसको आप नीचे से ऊपर रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कॉल हुआ था, किसने किसको कॉल किया, फिर उसके बाद किसको कॉल किया, इस तरीके से आप चेन को ट्रेस कर सकते हैं, जैसा चेन मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, सोर्स कौन है, फिर इसके बाद किसको कॉल हुआ, फिर इसके बाद किसको कॉल हुआ, फिर इसके बाद किसको कॉल हुआ, इस तरीके से आप चेन को देख सकते हैं। हालांकि ये छोटा सा कोड था इसलिए आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि इतने छोटे से को ट्रेस करने से क्या फ़ायदा। ये फ़ायदा तब होता है जब हमारे पास कम से कम एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें 80 से 90 हज़ार फंक्शन है और हर फंक्शन में कम से कम हज़ार हज़ार लाइन का कोड है। इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो ये बहुत यूज़फुल टूल होगा अगर कहीं किसी लाइन पर एरर आ रहा है तो। ये तो था हमारा डिबगिंग वाला जो टॉपिक, इसमें हमने कवर किया था लास्ट क्लास में डिबगिंग के का डेफिनेशन कवर किया था, विजुअल बेसिक में डिबग टूल बार दी हुई है, इसमें कुछ ये एरर हैंडलिंग के टूल्स दिए हुए हैं, हमने लास्ट क्लास में वॉच विंडो और लोकल विंडो को देखा था, आज हमने इमीडिएट विंडो कॉल स्टैक को देखा, साथ ही साथ हम ब्रेक पॉइंट भी हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि कॉल स्टैक जो है वो फंक्शन कॉल की चेन को सॉल्व करने के लिए होता है। तो यहाँ पर कॉलिंग चेन जो लिखा हुआ है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रन टाइम एरर जो दिया हुआ है, एरर हैंडलिंग प्रोसेस, एरर हैंडलिंग प्रोसेस का मतलब यही होता है एरर को हैंडल करना है, साथ में एक और फंक्शंस भी होता है, बस वो रूटीन्स जो हैं एरर हैंडलिंग रूटीन्स, ये वाला जो बचा हुआ है इसके बाद छोड़कर बाकी सब आपका कंप्लीट है, क्लियर है। तो एक टॉपिक जो है वो है एरर हैंडलिंग रूटीन्स, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज मान के चलिए एक टॉपिक अगर कंप्लीट होगा तो यूनिट 3 आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो ये था आज का टॉपिक और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।